रविकरण साहू, मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। मध्य प्रदेश तेलंगानी बोर्ड का चेयरमैन हूँ। किन मुद्दों पे ये दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला रखी गई है और क्या उद्देश्य है? देखिए, संगठनात्मक दृष्टिकोण से वार्षिक जो है राष्ट्रीय बैठक है वो होती रहती है समय समय पर। तो पूरे इस बार राजस्थान के उदयपुर ज़िले में जो हमारा राष्ट्रीय जो अधिवेशन चल रहा है वो विषय ये है कि चुनाव सर पर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश और अन्य छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों में चुनाव हुए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे विधायक और सांसद नहीं है। तो राजनीतिक चेतना के लिए आज बैठक, गंभीर बैठक हुई जिसमें सब निर्णय लिया गया कि 200 विधानसभा के राजस्थान प्रदेश, उसमें हमारे समाज को संख्या के अनुपात में हमारे को टिकट मिलना चाहिए, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो। और इस बार जो तेलंगानी बोर्ड का गठन किया हुआ कांग्रेस सरकार ने, तो मैं ये भी चाहता हूँ उसका गठन तो कर दिया है, आचार संहिता लगने वाली, जल्द से जल्द उसके अध्यक्षों के, उपाध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा करके उसका लाभ हमारे समाज को मिल पाए, मैं यही कह रहा हूँ। राजस्थान में ये उपलब्धि मिली है और किसी स्टेट में भी मिली है बोर्ड गठन की? बोर्ड गठन में मध्य प्रदेश में कैबिनेट का दर्जा मुझे दिया हुआ, मैं अध्यक्ष हूँ वहाँ। तो मध्य प्रदेश में गठन हुआ, छत्तीसगढ़ में गठन हुआ, तो इस तरह से पूरे अभी उत्तर प्रदेश में जनजागृति यात्रा चल रही, वहाँ पर गठन की मांग कर रहे हैं। देश के हर एक प्रदेश में तेलंगानी बोर्ड का गठन होगा और राष्ट्रीय स्तर पर ही तेलंगानी बोर्ड के गठन के लिए हम एक जनजागृति शुरुआत करने हम जा रहे हैं। बोर्ड गठन के बाद मध्य प्रदेश में क्या बदलाव आपने किए हैं और क्या राजस्थान को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी नया बोर्ड का गठन जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने किया, उसके बाद राजस्थान सरकार ने किया और बोर्ड का गठन किया। नया बोर्ड का गठन होता है उसमें हमने 1300 करोड़ रुपए की समाज कल्याण की योजनाओं के लिए प्रस्ताव है जो हम उसमें चर्चा की है। अभी हमारे पूरे क्रियान्वित करने के लिए नए बोर्ड से समाज को कल्याण के लिए दिलाने के लिए स्वाभाविक थोड़ा समय लगेगा और जो समय लगेगा निश्चित आने वाला कल वो हमारे समाज के लिए जो है मिल का बदतर साबित होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में किन मुद्दों पर आप और गंभीर विषय पर चर्चा करने की जरूरत है? देखिए, संगठनात्मक दृष्टिकोण से सदस्यता अभियान है, पूरे राष्ट्र में हमारे संगठन का विस्तार हो। दूसरा, हमारा जो है संगठन के विस्तार के लिए जो जरूरी कदम है उसको उठाए, उस पर निर्णय लिया गया। हर एक प्रांत से यहाँ पे लगभग 28 प्रांत से लोग पहुँचे हुए हैं। तो हमारा जो राजस्थान में है मूलतः एक विषय में और भी निर्णय लिया गया कि राजनीतिक रूप से जितने भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हैं यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल मिला के इन दलों से टिकट मांगने के लिए जो है एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। और अभी हमारी शाम तक बैठक चलनी है, दो दिवसीय बैठक गहन बैठक है। इस बार मध्य राजस्थान में जो है हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टिकट मिले और वो विधानसभा में जाए, ऐसा हमारा मानना है। कितना आकलन हुआ अभी तक, कितने पॉपुलेशन है पूरे भारत में और राजस्थान और मध्य प्रदेश का? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ को अगर देखा जाए, कोई भी देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पे तेली समाज नहीं, 19 करोड़ की आबादी में हम रहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 14% तेली समाज है, राजस्थान में 10% तेली समाज है। उस 10% संख्या के अनुपात में हमें टिकट मिले हम ये चाहते हैं और इधर राष्ट्रीय लोगों ने बैठ कर निर्णय लिया। विभाजन वाले समाज जो तेली समाज के अंदर कुछ 2-3 तरह के होते हैं उनको क्या वापस सम्मिलित किया जा रहा है? सब साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, सब संगठन एक हो रहे हैं और आने वाले समय में इसका परिणाम देखेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे?